बलरामपुर जनपद के स्थानीय विकास खंड हरियासत घरवा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत लालपुर विशुनपुर के मजरा सोनबरसी में ग्रामीणों ने काफी दिनों से टूटे बांध का निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से शिकायत कर बांध के निर्माण को लेकर विरोध जाहिर किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए ग्रामीणों ने कहा कि गांव के पास से गुजर रहा हेंगहा नाला, जो कि बारिश के मौसम में बांध टूट जाने की वजह से गांव में बाढ़ का पानी भर गया था, जिससे गांव के लोगों को उठना बैठना रहना दुर्भर हो गया था। गांव के ही समाज सेवी बसंत कुमार पांडे ने बताया कि 1990 के दशक में उन्हीं के बाबा माता प्रसाद पांडे जी के अथक प्रयास से सिंचाई विभाग के द्वारा बांध का निर्माण कराया गया था, लेकिन तब से लेकर आज तक कोई भी अधिकारी इस बांध को देखने नहीं आया। बांध टूटने की वजह से गांव के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बांध टूटने की वजह से सैकड़ों बीघा खेत पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, जिससे फसल उगाना असंभव हो चुका है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री एवं जिलाधिकारी से टूटे हुए बांध के निर्माण को लेकर प्रदर्शन किया। ये बांध नाले का बांध का समस्या है। और ये क्या बोलते हैं, जब बाढ़ आई यहाँ पे तो क्या बोलते हैं, वीडियो से या क्या बोलते हैं कर्मचारी से क्या बोलते हैं सूचना किया गया गया और इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। बोले कि क्या बोलते हैं इसका सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन आज तक के 6 महीना बीत गया लगभग, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो ये है कि क्या बोलते हैं इसका जो क्या बोलते हैं निर्माण नहीं किया गया तो क्या बोलते हैं गाँव हमारा बह जाएगा। अच्छा, देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।